सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए? ओके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे ऐसा थोड़ी, एक मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भाग। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? ए, ए, कौन है बे? 26। हम खो गए। कैसे? आते वक्त ये वाला पेड़ तो मैंने नहीं देखा था। अबे सब पेड़ एक जैसे होते मेरे भाई। लोग चाइनीज लोगों के बारे में भी यही कहते हैं, दिखते तो एक जैसे मगर होते तो अलग अलग ना। मैं तो पेड़ को देखते ही पहचान जाता हूँ, पेड़ के दिमाग को भी पढ़ सकता हूँ। चुपे बॉस। कौन है भाई? तो फिर हम कहीं खोए हुए नहीं है, बस इधर उधर थोड़ा भटक गए। इधर चलो भाई, सुन इधर चल। अंकल मुझे लगता है आप दोनों फालतू के चिंदी चोर हो। हम लोग फालतू के चिंदी चोर नहीं है, हम तो मिस्टर किडनैपर्स है। हाँ। और कातिल भी। मैं तो बचपन से ही कातिल बनना चाहता था, ताजे ताजे मुर्दे का गरम गरम खून, मुझे बहुत मजा आता है। है ना, है ना, है ना? ना, ना, ना। ये बम्बई सेंटर में। हाँ। ठीक है, कपूर साहब का मकान राइट लोगे ना, ये देखो दुबई। हाँ। दिख रहा ना, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ? फिर यहाँ से ऊपर गए तो हाँ मेसोपोटामिया। हाँ। मेसोपोटामिया से लेफ्ट ले लो, डायरेक्ट इधर आ जाओ, तंजानिया, फिलीपींस। कन्फर्म? चलो। क्या कन्फर्म बे? हम खो गए। हाँ। जब आप मेसोपोटामिया तक पहुँची गए हैं तो रास्ता इस तरफ है। हाँ। ए, बॉस कौन है बे? आप हो तो कौन बताएगा रास्ता किधर है? आप मेसोपोटामिया पहुँच गए ना, फिलीपींस इधर है। अच्छा अच्छा, कन्फर्म इधर। समझाने क्या भूख लगी है, दे रहे इसको खाने को। बॉस कौन है? चल एक और खा ले। दोबारा मत मांगना। क्या बेटा, कभी कभी खुद भी खाना चाहिए और कुत्ते को भी खिलाना चाहिए। इधर क्यों बेगा? ताकि तेरी मैडम हेमा मालिनी को क्लू मिल जाएगी। तू किधर है? उठा रहे इसको। अब तू इधर क्यों बेगा? ये तो मेरा है ना।